हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं दो एक्साइटिंग चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ जिससे कि आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप रैंडम नेम भी जनरेट कर पाएंगे एमएस एक्सेल में, ताकि आपका काम आसानी से हो पाए। अगर आप किसी को डेमो दे रहे हैं या टेस्टिंग के लिए आपको कुछ नाम चाहिए तो, और इसमें हमने एक ऐसा फार्मूला जनरेट किया है जिसकी मदद से आप हर सेल में एक नया नाम दिखा सकते हैं। तो बिना समय गवाए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर मैंने कैसे किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बढ़िया सा फॉर्मूला लिखने वाले हैं, कैपिटल्स में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल कैप्स में भी लिख सकते हैं। इंडेक्स का फॉर्मूला लेंगे। इंडेक्स का फॉर्मूला लेने के बाद में हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ये ब्रैकेट आपको पी के बराबर में मिल जाएगा शिफ्ट को होल्ड करके, और यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लिया। जो भी नाम आप चाहते हैं रैंडम नेम जनरेट करने के लिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया नाम को, जैसे राजीव, एक नाम, राइट, एक नाम मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। और सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सेमी कॉलन सिंबल, सॉरी, इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एक नया नाम दिया, जैसे कि अनीता फॉर एग्जांपल, इन्वर्टेड कॉमा देन सिंबल एंड देन अगेन थर्ड, और मैंने यहाँ पर सुनीता देन सिंबल और इन्वर्टेड कॉमा फिर से लिया यहाँ पर, और जयंत के नाम से लिया इन्वर्टेड कॉमा देन अगेन सिंबल। जितने भी नाम आप चाहते हैं उतने नाम को आप एक बार यहाँ पर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ दिया इसको एक बार सोनू, देन सेपरेटर लगाया फिर से, देन मोनू इन्वर्टेड कॉमा के साथ में क्लोज। अब मेरे पास जो टोटल नाम है वो हो गए 3, 4, 5, 6, टोटल हमने 6 नाम यहाँ पर लिए। अब मैं यहाँ पर अपना कर्ली ब्रैकेट बंद करने वाला हूँ, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट अपना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और रैंड बिटवीन फार्मूला इस्तेमाल किया। आई गेस कि आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आता है, नहीं तो इसी वीडियो में आप आगे देख पाएंगे रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन लेने के बाद हमारे पास जितने भी नाम हैं उसके लिए हमने यहाँ दिया कम से कम एक नाम चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 6 चाहिए, क्योंकि हमने 6 नाम लिए हैं। अगर आप 10 देंगे तो 10 देना पड़ेगा, 20 देंगे तो 20 आपको देना पड़ेगा। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और दूसरा ब्रैकेट इंडेक्स फार्मूला का मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ पर नेम जनरेट हो गया। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग करके नीचे दिखा देगा, ये देखिए हर बार एक नया नाम है। राइट साइड में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और क्योंकि हमने रैंड बिटवीन का इस्तेमाल किया इसलिए ये हर बार अपने नामों को चेंज कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई गिफ्ट निकालना किसी के नाम से किसी पर्टिकुलर सेल पर लॉटरी के नंबर के टाइप में, लकी नंबर सॉरी, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डिलीट किया, और मैं एक बार डिलीट किया F9 या F2 प्रेस करूँगा ये नंबर चेंज हो जाएगा, जिसका नाम आएगा उसको हम ये गिफ्ट देंगे, अवार्ड देंगे। ये देखिए डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ और हर बार एक नया नाम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रैंड बिटवीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो रैंड बिटवीन हमें हेल्प करता है एक रैंडम नंबर के लिए। मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन दिया, रैंड बिटवीन 1, 100, कंट्रोल एंटर ताकि ये फिल हो जाए। मेरी पुरानी वीडियो में आपने सीखा होगा यहाँ पर आ गया, लेकिन ये नंबरों में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये हर बार चेंज होते हैं, तो आपको पेस्ट वैल्यू चला लेना चाहिए, वो आपने पहले सीखा हुआ है। कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी वी,
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको दिया। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आप जो भी कंटेंट चाहें वो आप इंडेक्स में डाल सकते हैं, इंडेक्स देन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आपने दिया फॉर एग्जांपल ए, सेपरेटर लगाइए, इसके बाद में बी सेपरेटर लगाइए, सॉरी, देन सी सेपरेटर, डी सेपरेटर, ई देन सेपरेटर, एफ देन सेपरेटर, जी सेपरेटर, एच सेपरेटर, आई, और कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। देन कॉमा लगाया और फिर रेंट बिटवीन, रेंट बिटवीन, और रेंट बिटवीन में मैंने दिया मिनिमम 1 कॉमा, और अब मुझे काउंट करना पड़ेगा कितने हैं ये टोटल, 4, 5, 6, 8, 9, टोटल 9 लिया मैंने, तो 9 दे देता हूँ यहाँ पर इसको, सॉरी 9, ब्रैकेट क्लोज, और इंडेक्स का ब्रैकेट भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ब्लैक कलर का सिंबल बता रहा है कि सारे ब्रैकेट क्लोज हो चुके हैं। एंटर, यहाँ पर सी आ गया, और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो हर सेल में एक नई वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगी, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से बढ़ते हुए आप वोवल कॉन्सोनेंट बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, वोवल कॉन्सोनेंट में हर बार एक नया नंबर होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर लेटर होगा डिलीट की या F9 प्रेस करूँगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वोवल कॉन्सोनेंट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बेहतरीन रहेगा। और आप कोई भी यूनिक कंटेंट इसके साथ में तैयार कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अपनी वैल्यू चेंज ना करे और दोबारा से आपको ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े। तो वो हम कैसे करेंगे कि सिर्फ एक बार नाम लिखेंगे और अगली बार हमें फॉर्मूला ड्रैग करते हुए नया नाम मिल जाए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।